ऑल मैं हुमान आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूबर स्पेशल में। आज क्या खास है, आज मेरे साथ है अमोल, अमोल लोनारे, एक ऐसे शख्स जिन्होंने पहले ड्राइविंग किया, एक ड्राइवर थे, उसके बाद कड़ी मेहनत की, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन क्या किया जा सकता है जिससे घर चलाया जाए। तो अमोल मेरे साथ है और आज बताएंगे अपनी जिंदगी की कहानी, कैसे एक सब्सक्राइबर से लेकर आज कितने सब्सक्राइबर है। आज मेरे 37 प्लस सब्सक्राइबर है। 37,000 क्लियर कीजिए सर, 37,000 प्लस है सब्सक्राइबर है और ये चैनल को अभी एक साल भी होने का है। इतनी सारी मेहनत, पहले जानना चाहूंगा कि आप पहले क्या करते थे, जैसे ड्राइवर लाइफ आपने बहुत अलग तरीके से जिया, तो कैसी जर्नी थी वो। तो मैं पहले आपके व्यूअर्स को सभी को नमस्ते कहता हूँ। मेरा नाम अमोल लोनारे है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे चैनल का नाम है लोनारे ब्लॉग, जिस पर मैं नागपुर होलसेल मार्केट के और मैन्युफैक्चरर्स के वीडियोस बनाता हूँ। मैं बता दूँ कि फिलहाल पहला इंटरव्यू अपने लाइफ का है ना। एग्जैक्टली तो जब अमोल हमसे मिले तो कह रहे थे कि यार थोड़ा नर्वस हूँ, मुझे बता देना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मैंने बस इनको यही कहा था कि आज जो दिल में आए वो बोलना, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही कमाल की, जो आपने स्ट्रगल किया है। तो जब आप ड्राइविंग करते थे उसके बाद आप यूट्यूब में आने का फैसला कैसे लिया आपने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से ही गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि नागपुर से 75 किलोमीटर्स आता है भिवापुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और कुछ साल पहले मैं नागपुर शिफ्ट हो गया जॉब करने के लिए। तो नागपुर में आके मैंने ड्राइविंग की जॉब ज्वाइन की, मुझे ड्राइविंग आती थी तो मैं ड्राइविंग की जॉब ज्वाइन करके कंटिन्यू करते गया। तो काफ़ी दिन तक मैंने ड्राइविंग की जॉब की, लेकिन ड्राइविंग की जॉब में 8 से 9 हज़ार रुपये तक ही सैलरी मिलती थी, तो मेरा जो गुजारा था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतने बड़े शहर में 9 से 10 हज़ार रुपये में गुजारा करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने उसके साथ में एक बिजनेस करने का सोचा और एक मैंने एक अपनी छोटी सी एक वेबसाइट बनाई शिप रॉकेट के साथ, जिस पर मैं मेंस के क्लॉथ सेल करता था। तो उस वेबसाइट से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था, मैं उस वेबसाइट से भी 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर दिया था। तो फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि कोविड आ गया, कोरोना वायरस आ गया, उसके वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। पहले तो 15 दिन का लॉकडाउन लगा, तो जो मेरी ऑनलाइन वेबसाइट थी उसका तो पूरा टोटली काम बंद हो चुका। और मैं जहाँ जॉब करता था ड्राइविंग का, वो तो मेरा जॉब शुरू था, लेकिन जो 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो भी मेरी जॉब चली गई। तो फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, जॉब भी चली गई और जो मेरी वेबसाइट थी वो भी बंद हो गई, मतलब कोविड के वजह से देश में लॉकडाउन था तो कुछ ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि एक अपनी जो वेबसाइट है उसको ही नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं और उस पर स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं कि इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। तो फिर मैंने गूगल पर और यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखे, जिस पर मैंने सोचा कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी सेलर बनना चाहिए और उस पर सेल करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से वीडियो देखे मैंने, बहुत स्टडी किया इसके ऊपर और फिर ज्वाइन करने की सोचा। तो फिर जैसे आप ऑनलाइन में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कंपटीशन बहुत होता है, जिसमें क्लॉथ वगैरह सेल करते हो तो आपकी प्राइस बहुत मैटर करती है, वहाँ पर आपको कम से कम प्राइस में आपके प्रोडक्ट वेबसाइट पर सेल होना चाहिए, तो जिससे आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और अच्छे ऑर्डर्स भी आएंगे। तो मैंने फिर नागपुर जैसे मार्केट है हमारा लोकल मार्केट नागपुर, तो उसको सर्च करना शुरू किया कि कहाँ पर सबसे कम प्राइस में जो प्रोडक्ट्स है अवेलेबल्स होते हैं, कहाँ पर इसके मैन्युफैक्चरर है, कहाँ पर इसके होलसेलर है, इसके बारे में मैंने पूरा स्टडी किया। स्टडी करते हुए मुझे एक बात ध्यान में आई कि मैंने जितने भी यूट्यूब और गूगल पर भी मतलब स्टडी करते टाइम मुझे एक समझ में आया कि जितने भी होलसेलर है उनके खाली कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स आपको गूगल पर मिल जाती है और यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाते हैं। तो मैंने वीडियोस देखना शुरू किया यूट्यूब पे, तो लेकिन वहाँ पर आपको नागपुर के अलावा सभी सिटी के जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ पर नागपुर के प्रॉपर वीडियोस देखने को नहीं मिल रहे थे, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, यहाँ के यूट्यूबर ने काफ़ी वहाँ के मार्केट के बारे में वीडियोस बनाए थे, लेकिन नागपुर के जो मार्केट के बारे में किसी यूट्यूबर ने वीडियोस नहीं बनाए थे। तो तभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये आया कि मैं भी एक चैनल क्रिएट करके नागपुर के होलसेल मार्केट को प्रमोट करूँ। तो फिर मैंने एक चैनल, मुझे ऑनलाइन के बारे में पता ही था और जानकारी भी थी, तो मैंने एक लोनारे ब्लॉग करके चैनल क्रिएट किया।
और YouTube से अर्न करते हैं मुझे ऑलरेडी पता ही था, क्योंकि मैं ऑनलाइन में इतने साल से काम कर रहा था तो मुझे अच्छी जानकारी थी। तो फिर मैंने एक लोनारे ब्लॉग करके चैनल क्रिएट किया, जिस पर मैंने नागपुर के होलसेलर्स के और मैन्युफैक्चरर्स से वीडियो बनाए। तो वो वीडियो बनाने के लिए मैं पहले मार्केट में स्टडी किया, कहाँ पर इसके होलसेलर है मैन्युफैक्चरर है, उनसे मैं मिलते गया। तो कई लोगों ने मुझे मना कर दिए कि कई मैंने पहले तो बात की उनसे कि मेरे चैनल मेरा ऐसा ऐसा चैनल है, मैं नागपुर के होलसेल मार्केट को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली बॉम्बे के यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं वैसे मैं नागपुर के होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स की वीडियोस बनाऊंगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मना कर दिया, कई लोगों ने मुझे हाँ भी बोला। तो जिन्होंने हाँ बोला था तो उनके मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो वीडियो था, मेरा एक फ्रेंड है जिनका ग्रेस कलेक्शन उनके शॉप का नाम है, एथेनिक के मैन्युफैक्चरर है और उनका उत्सव करके ब्रांड आता है, बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग है उनकी। तो सबसे पहले उनका वीडियोस बनाया था। तो तब मेरे जो सब्सक्राइबर थे यूट्यूब चैनल के वो 10 से 12 सब्सक्राइबर थे, और उनका जो वीडियो डालने के तब मुझे पता भी नहीं था कि वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे बोला जाता है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैंने एक हिम्मत जुटाई और वीडियो बनाना शुरू किया। तो वो वीडियो उतना खास नहीं बना था, लेकिन मैंने तब भी उसको YouTube पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उस पर 1K व्यूज़ आ गए थे, मतलब 10-12 सब्सक्राइबर और 1K व्यूज़ आना बोल लो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे ही फिर मैंने 2-3 दिन बाद एक और वीडियो डाला, जो मेरे फ्रेंड है कीका भाई टोपी वाला करके, उनकी बाटा शोरूम के सामने इतवारी में उनकी शॉप आती है, वो अम्ब्रेला और रेनकोट के होलसेलर है। फिर उनका वीडियोज डाला तो उनके वीडियो पे 2K 3K व्यूज़ आना शुरू हो गया, और उनके जो वीडियो से थे मेरे चैनल पर कम से कम 250 से 300 सब्सक्राइबर भी आ चुके थे। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाते गया, आज मेरे चैनल पर 160 प्लस वीडियोस है और 37,000 सब्सक्राइबर है मेरे आज मेरे YouTube चैनल पर। क्या बात है, कहीं से लग रहा है ये नर्वस है। जब ये ऑफिस में आए थे कह रहे मैं नर्वस हूँ, इन्होंने एक सांस में ना पूरी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दिया YouTube की, कमाल है। और दो चार दुकानों की जो इन्होंने ब्रांडिंग की है, अब पता नहीं वो जगह बीप लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन कमाल है, बहुत ही बेहतरीन। जब आपने पहला वीडियो डाला था YouTube में तो कैसा लग रहा था और कैसी तैयारी की थी आपने उसके लिए? मैंने जब पहला वीडियो डाला तो ऐसा सोचा नहीं था कि इतने जल्दी मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरे चैनल पर इतने व्यूज़ आ जाएंगे। बस मैंने एक सोचा था कि चलो एक नागपुर के जो होलसेल मार्केट है, काफ़ी लोगों को नागपुर का इतना बड़ा होलसेल मार्केट है पता ही नहीं। कई लोगों को मतलब होलसेल का नाम लो, होलसेल मार्केट का नाम लो, मैन्युफैक्चरर का नाम लो, तो उनको लगता है कि दिल्ली बॉम्बे अहमदाबाद सूरत यही जगह सब होलसेलर बैठे हैं। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नागपुर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर, काफ़ी लार्ज स्केल पर काम होता है। और यहाँ से मेरे जो वीडियोज़ के थ्रू अभी आप यकीन नहीं मानोगे, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, उड़ीसा, बैंगलोर, मतलब आउट ऑफ स्टेट इतनी दूर दूर माल सप्लाई कर रहे हैं यहाँ के जो होलसेलर हैं नागपुर के, और काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। नागपुर वैसे ही बहुत गर्म चलता है बॉस, नागपुर के यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ आप देख लो कि आपको जो चाहिए नागपुर वाले जुगाड़ करके ला देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भी होगा तो जुगाड़ करके बना लेंगे, क्योंकि बहुत टैलेंट है। क्योंकि आप भी देखिए ना कि आपकी एक जर्नी थी, कहाँ आप एक पहले ड्राइवर थे, लेकिन जो कि कमाल का काम है, ऐसा नहीं है कि वो काम अलग है, वो भी काम कमाल का है, लेकिन सीधा वहां से इधर जंप करना यूट्यूब में, सारी दुनिया के सामने अपनी चीजें रखना और एक होलसेल मार्केट को प्लेटफॉर्म देना, जो दुकान वालों ने आपको पहले मना किए होंगे, अभी आप जब जाते होंगे तो आपको मुझे बोलते हैं कॉल करके कि भैया मेरा वीडियो, अभी क्या हो गया ना, सबके पास सबके नंबर्स आ गए, मेरे पास पूरा डाटा है, तो ऐसे व्हाट्सअप वगैरह ग्रुप है, तो उसमें मैं जैसे कोई किसी का वीडियो बनता है तो शेयर कर देता हूँ। तो जिन्होंने मुझे कल मना किया था आज वही कॉल करके मुझे बोलते हैं कि सर मेरा वीडियो बना दो। असली जीत तो ये है बॉस, असली जीत तो ये है, क्योंकि जहाँ पहले रिजेक्शन मिला आज वही लोग आपको बुलाने के लिए तरस रहे, कमाल है। यही तो आपका स्ट्रगल का एक रियल सक्सेस हम कह सकते हैं कि भाई फल तो मिल ही गया। लेकिन पहले 1,000 सब्सक्राइबर, 2,000, 10,000, अब 37,000, कैसे हुआ ये सब, वो भी एक साल में? ये तो बहुत बड़ा कह सकते हैं अपन। देखो आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपके दिल से अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आपको ये करना है। आपने एक बार मन में सोच लिया कि मुझे ये करना है, जो भी आप सोचोगे कि मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे यूट्यूबर्स बनना है, यूट्यूबर्स भी बनना कई काफ़ी आसान नहीं होता, आपके इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल होती है।
क्योंकि जब आप बिना मतलब बिना अर्न के यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, उससे कोई अर्निंग नहीं होती है। आपको बस कंटेंट डालना होता है, कंटेंट डालते जाओ डालते जाओ। जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तभी आपको यहाँ से अर्निंग मिलती है, लेकिन तब तक आपको ऐसे ही काम करना है। तो आप जब भी कोई भी काम करते हो, दिल से करते हो, तो आपको सक्सेस 100% वहाँ पर मिल ही जाता है। तो आप कोई भी चीज़ के लिए हार मत मानिए। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। तो आपको जिस भी फील्ड में जाना है, उस फील्ड में आप लगन से काम कीजिए, आप सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। हमारे नागपुर के संदीप महेश्वरी जी। अच्छा ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले हमारे एक यूट्यूबर है दिल्ली के, मोहित सक्सेना, शायद आपने नाम सुना हाँ होगा। पता है। तो उन्होंने, मोहित शर्मा या मोहित सक्सेना, तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने एक बेजुबान जानवर को हवा में उड़ाया था। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय बात है कि एक यूट्यूबर होके इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कोई भी जानवर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो भी एक इंसान के तौर पर ही आत्मा है और अपन ऐसे नहीं कर सकते किसी के साथ। आप यूट्यूबर हो और आपके इतने फॉलोअर्स है और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो इस तरीके से कि बेजुबान जानवर को आप एक बलून से लटका के एक हवा में उड़ा रहे। ये बहुत ही निंदनीय बात है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मुझे तो बहुत ही गलत लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा आप बताइए कि अभी 37,000 सब्सक्राइबर हो गए, अभी 1 मिलियन तक आप कब तक पहुंचने वाले हो? टारगेट तो बनाया होगा 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। देखो YouTube पर ऐसा है कि ऐसा कोई टारगेट नहीं लगा सकते अपन कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी मेहनत के ऊपर है। आप जितने ज़्यादा कंटेंट डालते जाओगे, जितने लोगों को जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो लोगों को वीडियो चाहिए उसके बारे में आप वीडियो डालते जाओगे, तो आप एक ही दिन में आपके 1 मिलियंस भी हो सकते हैं और 10 महीने भी लग सकते हैं। वो चैनल पर आपका कितना ट्रॉफिक आता है और आपके वीडियो कितने वॉच होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोनेटाइजेशन की आपने बात की, तो आपका कितने महीनों में मोनेटाइजेशन हो गया था चैनल का? मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूँगा क्या कि मेरा एक ही महीने में बात है, चैनल क्रिएट भी मैंने उसी महीने में किया और चैनल का मोनेटाइजेशन भी उसी महीने में हुआ। मतलब 1,000 सब्सक्राइबर चैनल मोनेटाइजेशन को लगते हैं और 4,000 घंटे का वॉच टाइम। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसके ऊपर ही मेरे मतलब 2-3 वीडियो डालने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में चले गया था। तब मेरे सब्सक्राइबर 3 से 4 हज़ार सब्सक्राइबर थे और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने एक ही महीने में वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे। क्या बात है। अच्छा जो नागपुर की जनता से और नागपुर के जो नए नए यूट्यूबर्स हैं उनसे आप जाते जाते क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कंटेंट बनाते हो उस पर फोकस कीजिए। मतलब बहुत से ऐसे यूट्यूबर है, कभी कुछ डाल दिए कभी कुछ डाल दिए, ऐसा मत कीजिए। आपको पहले आपके ऑडियंस को समझना है, आपको ऑडियंस क्या चाहती है आपसे, उस पर आप कंटेंट बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए, तो आप भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्या बात है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ नागपुर होलसेल मार्केट के, तो उससे कई लोगों को एक रोज़गार मिला है मेरे चैनल के थ्रू। कई लोगों का, जैसे मैं खुद हूँ, मेरा ही रोजगार चले गया था लॉकडाउन में। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनका रोजगार चले गया था लॉकडाउन के वजह से। तो मेरे जो वीडियो देख के कई लेडीज है, आज मुझे मेरे पास जिनका डाटा है तो 150 से 200 लेडीज है जिन्होंने मेरे वीडियोस देख के, जो कॉस्मेटिक के हो गए, ज्वेलरी के हो गए, अंडर गार्मेंट्स हो गए, कुर्ती हो गई, लेगिंग्स हो गए, साड़ियों के वीडियोस, वो देख के उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और वीडियो बनाने का हमारा यही रहता है कि आप मतलब लोगों तक तो सही से पहुंच सको। और वीडियो के माध्यम से जो आप शॉप वाले जो मार्केटिंग करते हैं, जो बिजनेस प्रमोशन मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, जो नया बिजनेस करना चाहता है उसकी एक मतलब क्षमता बढ़ जाती है बिजनेस करने की। क्योंकि वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे एक नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश की प्राइस होती है होलसेल 4 रुपये। 4 रुपये से नेल पॉलिश स्टार्ट होती है, तो आप उसे कम से कम 10 रुपये में सेल कर सकते हैं। तो ये सब हम वीडियो में बताते हैं, तो वो जो देखने वाला है उसका एक मतलब लेवल बढ़ जाता है कि बिजनेस करने का। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस तो करना है लेकिन उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती, तो हमारे जो वीडियो के माध्यम से प्रॉपर उनको जानकारी मिलती है कि ये चीज़ इतने रुपये की है, आप इतने में सेल कर सकते हैं, इतने लागत से आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको शॉप वगैरह की जरूरत नहीं, आपकी आप में डेयरिंग है, हिम्मत है, तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं, घर के फुटपाथ पे भी शॉप लगाकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर क्या बात सकते है। हैं। मैं कहता हूँ कि जिस तरह आपने ये लास्ट लाइन कुछ कही है ना,
जो लोग घर पे बैठे अगर कुछ काम करना होगा तो उनको एक नया हौसला मिल जाएगा और एक नया आइडिया भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से अभी वो नए काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों ने अपना हौसला भी खो दिया और कई लोगों ने अपना काम भी, किसी लोगों के घर रास्ते पर आ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते, वो लगातार मेहनत करते हैं और आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। सिर्फ करना क्या है, एक छोटी सी कोशिश करना है, थोड़ा सा दम लगाना है, थोड़ी सी डेयरिंग दिखाना है और आगे बढ़ते जाना है। सफलता जरूर मिलेगी, बस हार नहीं मानना। मेहमान यहां से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में किसी नए यूट्यूबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।